जेल दीवार से सीक्रेट चिकन बिरयानी। समुन्द्र के बीच एक द्वीप में जेल हुआ करता था। उस जेल में बहुत सारे कैदी शिक्षा अनुभव कर रहे थे। वहाँ पर देशपांडे जेलर था। वो बहुत कंजूस और लालची इंसान था। जेल के तरक्की के लिए जो भी पैसे आते वो अलग तरह से छिपा लेता था। वही नहीं, वहाँ के मेस कॉन्ट्रैक्टर से भी पैसे लेता था। कैदी को डराकर वो जेल में काम करके जो पैसे कमाते थे वो भी हड़प लेता था। एक दिन एक कैदी वहाँ आया। उसका नाम था ऋषभ। वो काम कर रहा था तो देशमुख उसके पास आकर उसका फाइल देखते हुए, क्यों रे, तुम बड़े डॉन हो, सुना है बहुत कुछ कमाया है ना, ऐसा फाइल में लिखा है। ये सब महानता तुम्हारी बाहर है, यहाँ नहीं। यहाँ मैं जो बोलूँ कुत्तों की तरह करना होगा, वरना खैर नहीं। यूं कहा तो ऋषभ, सर मैं यहाँ एक कैदी की तरह आया हूँ, बाकी की कैदियों की तरह ही रहूँगा ना, डॉन जैसा क्यों रहूँगा सर। यूं कहा तो देशमुख, वही तो कह रहा हूँ, चुपचाप जो बोल रहा हूँ वो सुनो, कहकर फाइल में देखकर, अरे वाह, तुम्हारा हॉबी मैजिक करना है, चलो दिखाओ, चलो कोई मैजिक करके दिखाओ, तुम इधर से गायब होकर दिखाओ। देखते हैं मैजिक करता है मैजिक कमीना, कहकर उसका अपमान करके चले गया। तब ऋषभ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन एक बोट पर उसके आदमी दीवार तक आए। दीवार के दूसरी तरफ से ऋषभ ने उन्हें क्या करना है वो कहा। वे तुरंत दीवार पर एक सुरंग जैसा कुछ बनाने लगे। अगले दिन दीवार के पास काम कर रहा ऋषभ एक कैदी से, भाई देखो लंच टाइम हो गया है, चिकन बिरयानी खाओगे? तब वो, चिकन बिरयानी आज तो सांभर चावल ही देंगे ना, चिकन मटन सिर्फ रविवार को ही देते हैं ना। यूं कहा तो ऋषभ, नहीं हम दोनों के लिए चिकन बिरयानी मंगा रहा हूँ, ओम भीम घीम गुश। यूं कहा तो दीवार से एक हाथ चिकन बिरयानी पकड़ कर बाहर निकला। दीवार के दूसरे पार से ऋषभ का आदमी उसे ढकेल रहा था। वो देखकर कैदी दंग रह गया। वो और ऋषभ मिलकर चिकन बिरयानी खाए। वो कैदी बर्दाश्त नहीं कर सका तो ये बात उस जेल में सबसे कह दिया। वो सुनकर एक गार्ड ये बात देशमुख से कहा। तुरंत देशमुख ऋषभ को बुलाकर, अरे कल तुम मैजिक करके चिकन बिरयानी मंगवाए कहकर सुना, सच है क्या, यानी तुम्हें सच में मैजिक आता है? हाँ। यूं कहा तो ऋषभ, नहीं सर ऐसे ही मजाक किया सर, छोड़ दीजिए। यूं कहा तो, नहीं नहीं ऐसा ही छोड़ने की बात नहीं है, मुझे वो मैजिक देखना ही है, दिखाओ फिर से बिरयानी मंगा। यूं कहा तब ऋषभ, नहीं सर उसे ऐसे ही जब चाहो तब नहीं कर सकते है, मुझे छोड़ दीजिए। यूं कहा तो जेलर, है क्या पूछ रहा हूँ, तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, खैर अब असली बात बताता हूँ, कल मेरा जन्मदिन है, पूरे स्टाफ को मुझे अपने पैसों से पार्टी देना होगा, वो मुझे नहीं पसंद है, इसलिए हम सबके लिए मटन बिरयानी लाकर दो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। हाँ, कहकर गन निकालकर मुंह के ऊपर लगाया ऋषभ। सर 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 नहीं सर नहीं, बस एक बिरयानी तो चलेगा, लेकिन आप सबको मुश्किल है सर। तब देशमुख, नहीं नहीं कहा तो मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा, कल दोपहर तक हमारे स्टाफ को गर्मा गर्म बिरयानी तैयार होना चाहिए। यूं कहा। अगले दिन कैदी देशमुख और पूरा स्टाफ दीवार के पास इंतजार कर रहे थे। ऋषभ, ओम भीम क्रीम, हमारे देशमुख जी के जन्मदिन के अवसर पर करीब 50 बिरयानी चाहिए। यूं कहा दीवार के तरफ से उसके आदमी एक बड़े से बर्तन में बिरयानी पर नींद की दवाई डाल दिए। दो हाथ वो बड़ा सा बर्तन लेकर दीवार से बाहर निकले। वो देखकर सब दंग रह गए थे। देशमुख और उसका स्टाफ बिरयानी खाकर बेहोश हो गए। ऋषभ कैदियों से, दोस्तों आप में से कोई भाग निकलना चाहते हैं तो मेरे साथ आओ, वो तैयार है। यूं कहा। फिर वो कुछ और कैदियों के साथ मिलकर दीवार चढ़कर कूदा और बोट में वहां से भाग निकला। ड्रैगन फ्रूट रवा केसरी। मरखापुर नाम के गांव में अनिल निखिल मुकुल नाम के तीन दोस्त रहते थे। पढ़ाई पूरी करके तीनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। वे तंग आ गए थे। उनका मिलिंद नाम का एक दोस्त था। वो ठीक इंसान नहीं था, हमेशा उन तीनों को कुछ ना कुछ कहकर अपमान करके बेइज्जती करके उन्हें सताता रहता था।
एक बार तीनों मिलकर उसे मारने की भी कोशिश किए। एक दिन अखिल, दोस्त अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात तो समझ आ गई है, अब क्या करें? यूं पूछा निखिल। हाँ रे, कोई तो व्यापार करने की सोचे, तो हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। यूं कहा मुकुल। जब अवकाश नहीं होता है तो हमें ही अवकाश पैदा करना होगा दोस्तों, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कहते ही वही मौजूद मिलिंद। खाने के वादे हैं, लेकिन बात तो बड़े बड़े कर लेते हो, क्या है बताओ भाई, तुम्हारा बनाया अवकाश बताओ बताओ। यूं कहा मजाक उड़ाते हुए मुकुल उसे एक मारकर। रे बेवकूफ कही के, बोलने पर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा पिता की कमाई पर जीने वाले तुम्हें क्या समझ आएगा। दोस्तों इसकी बात पर गौर मत करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। हम एक YouTube चैनल शुरू करते हैं, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर वो सब वीडियोस डालेंगे, पूरे पकवान बनने के बाद वो सब ले जाकर वृद्धाश्रम में बांट देंगे, इससे हमारा चैनल पर लोगों के सेंटिमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, तो जरूर सक्सेस होगा, क्या कहते हो। यूं कहा अखिल। सुपर आइडिया सर जी, अब देर किस बात की, मेरे चैन बेचकर रेशन बर्तन खरीद लेते हैं। यूं कहा मिलिंद मन में। अरे मुझे मारोगे तुम लोग, तुम्हारा YouTube चैनल कैसे ऊपर आएगा मैं भी देखता हूँ। यूं सोचा अखिल निखिल वहाँ गांव के बाहर एक बड़े बकरी को मसाला सब लगाकर पकाने लगे। मुकुल वीडियो निकालने लगा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए। उन टुकड़ों को गांव के वृद्धाश्रम में बांट रहे थे तो मुकुल वीडियो निकाल रहा था, फिर तीनों मिलकर उसे अपलोड किए। ऐसे गांव के बाहर अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर उन्हें वृद्धाश्रम में बांटकर अपलोड करने लगे। कुछ महीने यूं ही बीत गए, आखिरकार वो चैनल हिट हो गया, उन्हें पैसे भी आने लगे, पैसे बांटकर तीनों खुशी से रहने लगे। गांव में सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो वो देखकर मिलिंद को जलन होने लगी। वो मन में, जैसे इन्होंने कहा इन लोगों की तो तरक्की होने लगी, छी छी इनकी तरक्की मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इन्हें किसी तरह गिराना ही होगा। यूं सोचा। एक दिन तीनों ड्रैगन फ्रूट पुट्टी में डालकर जंगल की ओर आए, वहाँ मुकुल वीडियो निकालते हुए। दोस्तों आज हम अलग पकवान यानी ड्रैगन फ्रूट से रवा केसरी बनाने वाले हैं, वो देखकर आपको अच्छा लगेगा ये आशा करते हैं। कहकर अखिल निखिल मिलकर ड्रैगन फ्रूट से रवा केसरी बनाते हुए मुकुल ने वीडियो निकालने लगा। फिर तीनों जब दूसरा सेल्फी वीडियो ले रहे थे तो चोरी छिपे मिलिंद आकर उस रवा केसरी में कोई दवाई मिला दिया। फिर तीनों वो रवा केसरी को ले जाकर वृद्धाश्रम गए, वहाँ बूढ़े लोग खाने के लिए बैठे थे। दूर से क्या होने वाला है वो देखने मिलिंद भी वहीं दूर पर खड़ा हुआ था। इतने में दो पुलिस वाले उसके पीछे आकर उसके कंधों पर हाथ रखे, पीछे पलटकर उन्हें देखकर मिलिंद घबरा गया। पुलिस वाले, क्यों भाई ऐसे दूर खड़े होकर क्या देख रहे हो, इसमें क्या है, तुम पूछोगे तो वो जो बनाए तुम्हें भी तो देंगे, चलो हम खिलाते हैं। यूं कहा मिलिंद। अरे 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 रहने दीजिए सर, रहने दीजिए सर, सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो जाकर खा लो। यूं कह रहा था कि दूसरा पुलिस वाला, अरे आओ भाई आओ, इतना क्यों शर्मा रहे हो, चलो चलो, कहकर उसे खींच कर ले गए। फिर जबरदस्ती उसे वहाँ बिठा कर, अखिल बेटा बेचारा इससे भी रवा केसरी खाने का मन है कह रहा है, जरा डालिए ना। यूं पुलिस वाले ने कहा। अखिल, वो हमारा दोस्त ही है जी, क्यों रे हमें ही सीधा पूछ सकते हो ना रे, रिकमेंडेशन क्यों चाहिए, अरे इसे थोड़ा रवा केसरी परोसो। यूं कहा, तब निखिल उसे रवा केसरी परोसा। मिलिंद, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भूख नहीं है। यूं कहा तो पुलिस वाला, क्यों भाई इतना क्यों शर्मा रहे हो, तुम्हारे ही तो दोस्त है, रुको हम ही खिलाते हैं। कहकर पुलिस दोनों मिलकर उसे जबरदस्ती रवा केसरी खिला रहे थे। तब मिलिंद, अरे नहीं चाहिए कह रहा हूँ ना, उसमें पेट दर्द की दवाई मिलाया है मैंने, मैं नहीं खाऊंगा। यूं जोर से चिल्लाकर कहा। बस फिर सब उसे पकड़कर खूब मारे। अखिल, तुम्हारे बारे में हम जानते हैं रे कमीने, हम सब जब सेल्फी वीडियो ले रहे थे तो पीछे से तुम आकर दवाई मिलाया, ये सब हमने देख लिया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही पुलिस वालों को आने के लिए बुलाए। यूं कहा। फिर मिलिंद को जेल में डाल दिया गया।